देखा उसे जब पहले बार, दिल मेरा धड़का पहले बार, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन कहाँ। थोड़ी सी शर्माई थी, थोड़ी सी घबराई थी। अब आगे मैं क्या बोलूँ यार, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, मस्त मस्त, क्योंकि संडे है और संडे में आप मस्त नहीं हुए तो समझ जाइए पूरे हफ्ते आपका रूटीन वैसा ही चलने वाला है। कहीं ना कहीं आप बोर होने वाले हैं, कहीं ना कहीं काम का प्रेशर पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं जो है रूटीन वही रहता है। कहते हैं ना कि एक सैटरडे संडे होता है जहाँ पे आप फुल एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर जो है आप सोचेंगे मैम क्या करिए यहाँ पे, अरे मेरे लैपटॉप का ही जो थोड़ी सी चिपकन्स एक होती है ना, एक लगी हुई आती है जिसे क्वालिटियाँ बताते हैं, वो उतर रहा है। जब तक ये लगा रहता है ऐसा लगता है नया है, और इसीलिए तो ऐसे में जो है आप अगर ये सोचेंगे कि यार संडे में भी कुछ नहीं करना, घर वालों ने थैला पकड़वा दिया, ये सामान लेके आ जाओ, यार ये नहीं चाहिए, संडे फ्री चाहिए, फुल एंजॉय। तो चलिए हम एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय किया है, एंजॉय करेंगे, और आप हमारे साथ हैं तो फिर एंजॉय की कभी कभी होती ही नहीं है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपसे बताने वाली हूँ, आज एक पॉपुलर शो का हो गया अंत, कर गया है वो अंत, दिलों को तोड़कर, दिलों को छूकर, टॉप 5 में बने रहने वाला शो भी अंत कर गया है। यार आप कहेंगे मैम बता दीजिए ना, वैसे तो मुझे पता है लेकिन आप बताएंगी तो मैं पक्का आपकी न्यूज़ पे यकीन कर लेती हूँ। हाँ डियर, राजन शाही का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस पे जो है सबसे बड़ा या सबसे रनिंग शो बना हुआ है। ऐसे में उन्हीं के प्रोडक्शन से एक नया शो निकल कर आ रहा है, वो कोई और नहीं है, वो शो है आपका प्यारा सा बातें अनकही सी, जिसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हर चैनल पे तो नहीं हर प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है, और स्टार प्लस के हर शो में प्रमोट होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसे में जो है कहानी क्या होगी, वही लड़का लड़की एक दूसरे से पहले नफरत करेंगे, फिर उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, फिर धीरे धीरे जो है बातें होने लगेंगी, फिर बातें अनकही सी हो जाएंगी। इस तरह का शो आपको देखने को मिलने वाला है। राजन शाही का शो है, कुछ अच्छी स्टोरी लेकर आ रहे होंगे, लेकिन बात है कि 9 o'clock पर आ रहा है, फालतू एक मोस्ट पॉपुलर शो लिस्ट में डला हुआ है और टॉप 5 में उसने काफ़ी लंबा सफ़र किया है, स्लॉट किंग भी बना हुआ था। ऐसे में इस शो का जो है अचानक से टाटा बाय होना फैंस और पब्लिक की नज़र में एक खटक गया है कि स्टार प्लस इतना ही बेकार पॉलिसी कर लेगा अपनी, ये सोचा नहीं था। स्टार प्लस की अगर पहचान है तो ईमानदारी, स्टार प्लस अपनी ईमानदारी से ही जाना जाता है, क्योंकि जो है वो हर शो को टाइम देता है। लेकिन फालतू जैसे के साथ ऐसा क्या हो गया कि जो उन्होंने उसे अर्ली स्लॉट भी नहीं दी या अदर स्लॉट भी नहीं दी। ऐसे में सोशल मीडिया में न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई कि फालतू के प्रोडक्शन और स्टार प्लस का आपस में रिश्ता अचानक से बिगड़ गया। ऐसे में जो है उनका तालमेल नहीं बैठा, या फिर उन्होंने प्रेशर डाल दिया, या फिर प्रोडक्शन जो है स्टार प्लस की पॉलिसी से खुश नहीं थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यही है कि दोनों के रिश्ते में दरार सी आ गई थी। इसीलिए फालतू ने कोई नया टाइम नहीं लिया और फालतू ने 21 यानी कि 20 अगस्त को आज अंत कर दिया है, जिसमें आपने भी देखा होगा अगर आप देख रहे हैं कि कहानी कितनी तेज़ी से और एकदम से कैसे घुमा दी, शादी ट्रैक दिखाया और कहानी ख़त्म, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया कि फालतू का कुछ ऐसा हो कि जो है जो गलतियां हैं या जो फटाफट ऐसे फटाफट से कर दिया। ऐसे में कल से राजन शाही का नया शो शुरू होने जा रहा है, बातें अनकही सी। ऐसे में फैंस काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं, स्टार प्लस को बुरा भला बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, लेकिन वो आपस में उनका क्या तालमेल रहा ये तो वही जानते हैं। यहाँ तक कि फालतू की मेन कास्ट ने भी यही बोला
कि हमें खुद झटका लगा, इतना प्यारा शो था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था, और अचानक से हमें कहा हमें इसकी हैप्पी एंडिंग करनी है। आज तक अभी तक तो हमें भी नहीं पता चला है। तो सोचिए जब वहाँ के जो कास्ट हैं वो शौक हैं तो बाकी कितने शौक होंगे। तो ऐसे में वेलकम कीजिए नए शोकर राजन शाही के, और फालतू को कीजिए हंसते हंसते विदा। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।